हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मधुर गुलाटी और आपको बताइए, हर बार की तरह आज भी मैं आपका एक जाने माने सेलिब्रिटी से मिलाने वाला हूँ। और आज बताया हमारे स्टूडियो में कौन आ रहे हैं, उनको पहचान देने की जरूरत नहीं है, वो है बाबाओं के बाबा, डॉक्टरों के डॉक्टर। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, उनकी फिल्म आ रही है संजू बाबा। बाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा कैसे है बाबा? एकदम झकास। बाबा मैं आपके कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बाबा पहले तो ये बताओ, पहले आपके पास एक 50 तोला था, आजकल बहुत सारा तोला तोला ही है, प्रमोशन में है लगता है, संजय सुपर हिट है। 50 तोला तो अपना ये मतलब टेन मार्क है क्या? हाँ हाँ, 50 तोला तो रहना ही चाहिए। देख आड़ू गड़ी मैं कह देता हूँ, बाबा हूँ ना। बाबा थोड़ा सा मेरे ऊपर भी रैंप, देखो मेरी फटी पड़ी है, शोज भी बंद हो गए। बाबा आपकी तो अच्छी चल रही है, संजू आ रही है। तो संजू बायोपिक तू देखेगा ना, तो उसके बाद तेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा, देखने के बाद? हाँ, तो पहले बता दिया होता मैं पहले से टिकट विकेट ले लेता। सुना है अभी जल्द में रिलीज हो रही है उसकी रिलीजिंग डेट? वो टिकट पूरी फुल हो चुकी है। फुल होगी, मिलेगी नहीं, कम से कम एक महीना तक तो फुल है। अच्छा बाबा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं हाथ मिला सकते हैं? मैं रोज डिटॉल से धुलता बाबा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कब लगा कि आप संजू बाबा हैं, आप संजय दत्त जैसे दिखते हैं? आपको ये फीलिंग कब आई कि आप संजय दत्त के जो लुक का लाइक आप कर सकते हैं? मेरे को 1996 में फर्स्ट टाइम जब मैं जॉब करता था वहाँ से और मेरे दोस्त संजय जो मेरे गुरु बोल सकते हैं, वो बोले कि आप बाबा की तरह दिखते, तो मैं पतला था, लंबे बाल थे, सालिम के टाइम। अच्छा, और ऐसा बोलते बोलते बाबा बन गया मैं। और काफ़ी शोज़ आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में काफ़ी शोज़ किए, और मुझे हर कोई या ऑटो से जाता था या ट्रेन से जाता था, कहीं भी जाता था तो मुझे ये बोलते थे, अरे बाबा जा रहा है, अरे बाबा जा रहा है। तो वहाँ से, और मैंने आपको ये बता दूँ, मेरी खुद की एक्टिंग, मेरा नाम है आयुष जडेजा, मेरी खुद की एक्टिंग मोर देन 40 मूवी गुजराती की मैंने। अच्छा, गुजरात में बॉम्बे में काफ़ी लगी और काफ़ी चली। ये जितनी भी देने बाबा सबकी देने। नहीं, आप अभी कह रहे थे बाबा कि आप जब भी किसी ऑटो या ट्रेन में जाते थे तो लोग कहते थे बाबा बाबा, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी ने आपको बाबा समझ के 51 रुपये 11 रुपये चढ़ा दिए हो? ये क्या बोल रहे हो? अच्छा, वो संजीव बाबा की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं थोड़ा कन्फ्यूजन, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे इस बारे में मतलब लोग मिलेंगे तो ऑटोग्राफ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 51 रुपया किसको चढ़ाते हो? वो मतलब बाबा का मतलब मैं वो बाबा सोच रहा था एज ए डॉक्टर। मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा तू पागल है, मैं समझ सकता हूँ कभी कभी तेरा दिमाग। नहीं नहीं सर, मैं पागल नहीं, मैं आपको बता दूँ, बस थोड़ा सा दिमाग खराब है, पागल ही। तो आपको ऐसा, मैंने अभी आपने बताया आपने 40 से ज़्यादा गुजराती फिल्मों में काम किया है, तो उसमें आपकी फेवरेट फिल्में कौन कौन सी थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो? मेरी अभी फिल्म गुजराती एक लगी थी तंबूरो, एक त्रुटि लगी थी, फिर जय आशा पुरमा, गुजरात। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपके जो सेपरेट फिल्में हैं उसमें आपने बताया वो तुम बुड़ो क्या तंबूरो, तंबूरो। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे तंबूरो के बारे में पता नहीं था, मैंने सोचा तुम बुड़ो। हाँ, तो ये मेरे प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने एक आपके बारे में एक शो में आपका मैंने देखा था जिसमें संजीव बाबा के बिगेस्ट फैन आप हैं, यारों की बारात में, जो रितेश देशमुख जी, शाजी जी और अजय देवन, अभिषेक बच्चन बाबा सर थे, उनके सामने मैंने एक्ट किया था जी जी, काफ़ी अप्रिशिएट किया था। बस इफ़ यू डोंट माइंड डॉक्टर बाबा, बारात तो वैसे मेरे भी बहुत यादगार वाली निकलती है, क्योंकि जब मैं किसी पेशेंट को दवाई देता हूँ ना तो उसके पूरे घर वाले मुझे आके यादों की बारात निकालते हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई अभी तक, जब मेरी बारात निकालते मैंने देखा जब दूसरों की बारात जाती है तो वो घोड़े पर बैठते हैं, और जब मेरी बारात जाती है तो सारे घोड़े मेरे ऊपर बैठ जाते हैं, वो पैर से ऐसा ऐसा करके मसाज देते हैं। बात ये है कि आप बहुत फेमस डॉक्टर हैं। यस, आप इतना अच्छा इलाज करते हैं कि आपकी बारात इसलिए निकलती है जी। आप मतलब आदमी समझो मतलब मर गया तो उसको जिंदा कर सकते हो, वो इलाज करते। अच्छा, मैं ये भी, ये तो मुझे पता ही नहीं था यार। ओके, तभी मैं, अच्छा बाबा मेरे को आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपका ये आज तक का जो सफ़र है यहाँ से बाबा तक का, और संजू जब फिल्म आ रही है तो इस फिल्म पे आपको क्या लगता है आपके अपने लाइफ में, मतलब ये जैसे संजीव बाबा के बारे में बनी हुई फिल्म है और बहुत अच्छा रणवीर कपूर से आपने अच्छी तरीके से किरदार भी बहुत बढ़िया निभाया, तो इससे आपको क्या लगता है कि आप जो लुक लाइक कर रहे हैं तो आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है? मैं तो बाबा सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको पहले बोला 1996 से, तो
बायोपिक जो आ रही है उससे मुझे फ़ायदा ये होगा। मैंने पहले भी बोला है याद होगी भारत में कि लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उनका घर वहाँ से चलता है, मेरा घर ही इनकी वजह से चलता है, काफ़ी इनकी वजह से मैंने आउट ऑफ इंडिया शो किए, काफ़ी कमाया। तो ये जो बायोपिक आ रही जी से मुझे अभी से ऑफर आने लग गई है, शो की बोलो ये बोलो सब, तो काफ़ी बेनिफिट। अच्छा, मतलब इससे आपके जितने भी बाबा देखो फैंस हैं उनका भी फायदा हो रहा है आपके नाम पे, कितने लोगों का घर चलता है, कितने लोग आपके ऊपर जी रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड, मैं भी ना अपने जो गुरु हैं मेरे एक श्री श्री 1008 सुनील ग्रोवर जी, तो वो एक्चुअली सुनील गुरु वार उनको मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे गुरु है ना, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। लेकिन बाबा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी हम जाते हैं ए डुप्लीकेट करता है, तेरा पर्सनल नाम नहीं बनेगा, तू कॉपी राइट रह जाएगा, तू कॉपी बन के रह जाएगा, ओरिजिनल कर ये कर, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बहुत होंगे। ऐसा होता है वो, देखो एक तो ऑडियंस है वो प्यार करती है, हाँ, कुछ भी बोल सकती है, बट हम लोग डुप्लीकेट नहीं है और कोई डुप्लीकेट नहीं होता, फ़ैन होता है जी। मैं संजू सर का फ़ैन हूँ और फैन काफ़ी, जैसे संगीत भोसले भी फ़ैन है। लेकिन फ़ैन तो शाहरुख की थी, फैन शाहरुख खान की फिल्म थी। अच्छा हाँ, ऐसे फैन है जैसे अच्छा, आप उनके फैन आप जैसे गुरु सुनील गुरु जी, तो वो वैसे मैं फ़ैन हूँ, काफ़ी फ़ैन है, और फैन होना कोई गुना नहीं, उनकी वजह से तो आज आ गए जी जी। तो और एक और सवाल था सर, जैसे आपने बोला कि आप कभी कभी ऐसे रोड पर निकलते हैं और वगैरह में जाते हैं तो लोग आपको संजीव बाबा करके बुलाते हैं, तो सबसे पहले ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आ गया कि मैं संजीव बाबा कर सकता हूँ? मैंने बहुत बोला ना कि मैं कभी कहीं जाता था आता था तो मेरे लॉन्ग हेयर थे और पतला सा था, तभी लोग बोल देते थे कि देखो भैया खलनायक जा रहे हैं, अरे देखो भाई अरे साजन जा रहे हैं, अच्छा लड़कियाँ जब आपको बोलती है वो देखो साजन जा रहे, तब तो आपको ना वो तो बायोपिक में बोला 308 बाबा सर की गर्लफ्रेंड थी, तो मुझे तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा ना थोड़ा। मतलब अगर उनकी 308 थी तो मैं बताता हूँ कि 300 निकाल दो 8 भी होगी तो भी अपनी तो खिली मिली ना। ओके तो अच्छा मैं बाबा मैं ना आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी देर से आप बैठे हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पे हमारे स्टूडियो में खाने के कुछ बंदोबस्त नहीं है, लेकिन कुछ पीने के लिए मंगा दूँ, पानी वगैरह? अच्छा मतलब आप जूस जूस पीते हैं, वेरी गुड, बहुत ही जूसी हैं आप। और मैं एक्चुअली बता दूं आपको पसंद है जूस, लेकिन हमारा जो स्टूडियो और हम थोड़े हैं कई जूस, तो हम वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम सिर्फ पूछते हैं लोगों को, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं अरे वो उनके स्टूडियो में गए, हमें कुछ पूछा नहीं, तो हम पूछते हैं पर देते नहीं। बाबा मैं एज अ डॉक्टर थोड़ा बिजनेस की बात हो जाए फायदे, तो मैं बहुत दिन से आपको पता है बाबा मेरा शो बंद हो गया, बिजनेस में छोटे मोटे इंटरव्यूज़ के लिए जा रहा हूँ, ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह करा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा आपका चेकअप वगैरह करा लूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं चेकअप करने के। पहले तो बात एक बात बता दूँ, सबसे पहले डॉक्टर MBBS में हूँ, तो मेरा चेकअप मैं तुमसे क्यों करूँ? देखो कभी कभी क्या होता है डॉक्टर हलवाई, हमने पहले भी बोला कि काफ़ी लोग मतलब तुमने इतने इलाज कर दिए ना, तुम बोला ना मेरी बारात निकली थी, हाँ? तो मुझे वापस बारात निकालनी, मैं लंबी बारात निकालू, मैं फेमस हो जाऊंगा, संजीव बाबा ने निकाली बारात। कौन सी बारात? बाबा की बारात, मतलब वही बारात, हाँ? मेरे पास घोड़ा है वो बारात, वो बारह बजे रात में। बाबा मैं इसलिए बोल रहा था, जैसे आप कह रहे एक डॉक्टर है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ये डॉक्टर वाली बात है, इन लोगों के समझ में नहीं आएगी, ये डॉक्टर वाली बात है। आपने अक्सर देखा होगा कि हलवाई कभी अपने खुद के दुकान की मिठाइयाँ नहीं खाता, तो वैसे ही डॉक्टर खुद का इलाज कैसे करेगा, तो मैं थोड़ा सा आपका चेकअप वगैरह कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं करूँगा बाबा का BP चेक। तो बाबा आपको पता है आजकल के जो डॉक्टर्स हैं इन्हें कुछ पता नहीं होता, तो मैं आपका BP चेक करने वाला हूँ, एक मिनट। बाबा ये सिक्स पैक ये डोले सोले कैसे बनते हैं? डोले सोले ये ऐसे मन डोले, अच्छा तो बन जाएंगे। तो पहले मैं करूँगा बाबा का, आपको बाबा संजू बाबा yeah. हमारे इधर जो पड़ोस में ना वो संजू भाभी है, तो थोड़ा सा सॉरी मैं आपका BP चेक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आता है। ये कौन सा मुँह में डाल के कैसे चेक करते BP? बाबा डॉक्टर कौन है? अच्छा डॉक्टर आप, हाँ बाबा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, yeah. बाबा आपकी BP बहुत ज़्यादा लो है, तो आपको कुछ एडवाइस देने वाला हूँ। अब ये जो लेट नाइट जाते हैं ना, तो मैं आपको कुछ नींद की गोलियाँ दूंगा, वो आपको भाभी जी को खिलानी होगी, क्योंकि भाभी जी जब सोएंगे तो ही आपको आराम मिलेगा, आपको आराम की बहुत ज़रूरत है बाबा। अच्छा, और ये टाइम प्रमोशन की गोली है, अब नींद की गोली, नींद की गोली, हाँ वो आपको भाभी जी को खिलाना है, खुद नहीं खाना। बड़ा कन्फ्यूज आदमी, मेरे को भी कन्फ्यूज कर देता,
वो खाएंगे नींद मेरे को कैसे आएगी? नहीं नहीं देखो भाभी जी खाएंगी तो आपको सुकून से सोने देंगी, डॉक्टर की बात है। तो आपको नींद की गोलियाँ हैं, आपको खाना होगा। और बाबा आप जैसे कि अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे संजू के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा मेरे सभी फैंस को कि 29 जून को संजू सर की बायोपिक रिलीज हो रही है, तो आप देखना ना। मुझे रणवीर जी ने बहुत अच्छी एक्ट की है और मैं बाबा का फैन हूँ, मैं आपका दोस्त आयुष जडेजा। 29 जून को आप देखना ना भूलिए संजू सर की बायोपिक। 29 जून को नज़दीकी सिनेमा घर में देखना ना भूलिए। जिनको दूर जाना हो वो अच्छा दूर भी जा सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर देखें। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं संजीव बाबा, आपको भी, रणवीर संजीव को भी, और हम आपके बहुत फ़ैन हैं, आपको देख कर सीख रहे हैं। तो पैकअप कर दें बाबा। थैंक यू।